ये डाल के इसमें चटनी, बिना चटनी कैसा क्या होगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे, क्योंकि हमें एक हफ्ते की छुट्टी थी जो कि आपको पता ही है, और आज होने वाला है हमारा पेपर जो कि फर्स्ट पेपर रहने वाला है। तो सारे फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं, अभी मैं भी रेडी हो चुका हूं, यहां से मैं निकलूंगा, आपसे मिलूंगा, मैं वहीं पहुँच गया। तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया, देखते हैं आप इसका क्या होगा। पेन किलर इसने खा लिया है, बोल रहा था और एक खाने का, मैंने बोला नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी और एक खाने से, क्योंकि अभी इसने एक खाया है। तो आज हमारा एग्ज़ाम है, क्या लगता है? लगता तो है, मगर करेंगे क्या, एग्ज़ाम तो देना है। हाँ, आप देखेंगे वहीं पर कि क्या करेंगे क्या नहीं। तो आसिफ, आपको क्या लगता है एग्ज़ाम का? देखना, हम तो एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि रात को नींद पूरी नहीं हुई। अच्छा। इसकी वजह से मुझे लगा कि अगर वहाँ तो भूल गया जो भी हमने पढ़ा है, तब दिक्कत होने की नहीं। तो ऐसे हमने याद तो अच्छे से किया है, पढ़ा तो बहुत है, मसला यही है। आज क्या एग्जाम? क्या दिल्ली धनदोर क्या इंस्पायरेशन? मैं धनदोर वाला असल से। तो आज एग्जाम में आप देख सकते हो बच्चे कितना शोर कर रहे हैं अभी। तो भरत, आज एग्जाम है, आप क्या कहना चाहते हो? आज एग्जाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं इंक्लूड मुझे भी डिप्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि इंसान को अगर पढ़ा भी होगा उसके भी डिप्रेशन होती है, हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। यहाँ पे बच्चे भी हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, तो हम देखेंगे अब क्या लिखेंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे। ये जो मजाक हो रहा है हमसे, आज बेनी होना चाहिए। पढ़ा है, बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारा एग्जाम है। हम कहाँ जा रहे हैं यार? एग्जाम इसको तो ये घोड़े था या कहाँ था जाए? आज गए बलार किया। तो अब एग्जाम होने वाला है, बच्चे बैठ चुके हैं। हमारा पीर साधा सबसे लास्ट में उठेगा पेपर लिखकर। थावा थावा, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो अभी हमारा एग्जाम खत्म हो चुका है, अभी हम बाहर आ चुके हैं। अब मैं इन फ्रेंड्स से पूछूंगा कि इनका पेपर कैसा क्या हुआ। वो चूना लगा दिया। आसिफ, पेपर कैसा था? आपका कैसा हुआ? अच्छा हुआ। पेपर था कैसा? डिफिकल्ट के नहीं, ठीक ही था, मीडियम, बहुत आसान था। पीर ज्यादा 50 में से 50 इंशाल्लाह। आपने भाई पेपर कैसा था और आपका कैसा हुआ? पेपर तो अच्छा था, मेरा भी अच्छा ही हुआ, आई थिंक सबका ही अच्छा हुआ। तो अभी सब बोल रहे हैं कि हमने नर्वस सिस्टम और ब्रेन पढ़ा था, हमने ज्यादा वही पढ़ा है, लेकिन उनमें से खाली कोई क्वेश्चन नहीं आया, नहीं एक भी नहीं आया, उनमें से कुछ भी नहीं आया था, जो हमने नहीं पढ़ा था वही आया था। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का पोर्शन ज्यादा था, वो हमने अच्छे से प्रिपेयर किया था, लेकिन उसमें से एक भी मार्क्स नहीं आया था। और टिश्यूज आए थे ज्यादा, टिश्यूज और ग्लैंड्स, वही आए टिश्यूज ग्लैंड्स वगैरह, वो हमने नहीं पढ़े थे, वही आया था, लेकिन फिर भी हमने किया, फिर भी हमने किया, मेरा भी अच्छा ही हुआ पेपर। तो ये ली है हमने यहाँ पर बिरयानी, यहाँ पर इस भाई के पास महराज की तरफ से बिरयानी, क्योंकि आज इसका पेपर अच्छा हुआ हमारे, बहुत अच्छी मज़ेदार 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 मज़ेदार। तो बिरयानी करेंगे ख़त्म, फिर मिलते हैं आगे आपसे। तो बिरयानी हमने ख़त्म की, अब जाएंगे हम अपने अपने रास्ते पर, एक साइड से दूसरी साइड से। आज ऐसे तो सारे बच्चे खुशी थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका पेपर अच्छा हुआ, क्योंकि छुट्टी मिली थी और सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। और जो भी वहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ, आज के व्लॉग में इतना ही था,
फिलहाल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अभी करते हैं चेंज, फिर खाएंगे खाना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर, बाय, लव यू।